झारखंड के जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज में कल मतगणना का काम सुबह से ही शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां कुल पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती होगी। जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, तो वहीं ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला बल के साथ साथ बीएसएफ के जवान को सुरक्षा में लगाया गया, मतदान की गिनती के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोगों की कल जो है मतगणना चालू होने वाली है यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में, और यहाँ पर 3 लेयर का कंप्लीट इंतजाम कर दिया गया है। इसमें हमारा बीएसएफ की फोर्सेज और आर्म फोर्सेज और डिस्ट्रिक्ट बल जो है वो तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पहली काउंटिंग जो है वो 8 बजे पोस्टल बैलेट से स्टार्ट होगी और 8:30 बजे हमारी ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। इसके लिए हमारा पोस्टल बैलेट का स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो 4:30 बजे खोला जाएगा, जो कि हमारे उद्योग सेंटर में है, और वहाँ से पोस्टल बैलेट यहाँ पर विद सिक्योरिटी सीएपीएफ फोर्सेज लाया जाएगा। उसके पश्चात 7 बजे हमारा स्ट्रॉन्ग रूम ईवीएम का खोला जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में, कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में होगी। इसके लिए सभी को टाइम और स्थान जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारा बारागुड़ा में 19 राउंड होने वाले हैं और जमशेदपुर वेस्ट में 22 राउंड होने वाले हैं। शेष विधानसभाओं के भी 19 और 22 के बीच में ही है। लोएस्ट हमारा 19 है और हाईएस्ट हमारे 22 राउंड है। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल किसी का भी अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, जो कि हमारे बाहरी एरिया में तैनात है, और बिल्डिंग के अंदर सिर्फ उनका अलाउड होगा जिनका ECI से अप्रूव्ड है, जैसे ऑब्जर्वर्स, RO, ARO और ETPBS के जो हमारे स्पेसिफिक ऑपरेटर्स इत्यादि होते हैं। कंप्लीट व्यवस्था सभी टेबल्स पे कर ली गई है। आज सामग्री भी सारी उपलब्ध करा दी जाएगी और सभी व्यवस्था को चेक भी कर लिया गया है, तो कल मतगणना हमारी स्टार्ट होगी। हजारीबाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले 3 माह पूर्व हजारीबाग के मुफसिल थाना अंतर्गत तो लाखे मजार समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान चतरा के परशुराम के रूप में हुई है, जो विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में नर्सिंग होम संचालक का काम करता था। इस हत्या की घटना को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी और विगत कुछ दिन पूर्व घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अन्य अपराधियों की तलाश जारी थी। आज हजारीबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसी मामले में संबंधित 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो आपको बता दें कि 2 अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया गया था और आज जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बात करें 6 अगस्त को ये लाखे में एक लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक जो विष्णुगढ़ के रहने विष्णुगढ़ में था उनका नर्सिंग होम परशुराम प्रसाद, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व में हम लोग 2 आदमी को जेल ऑलरेडी भेज चुके थे, एक उमेश कुमार पांडे और दूसरा धनु पासवान। ये 2 आदमी को हम लोग जेल भेज चुके हैं। बेसिकली धनु पासवान टंडवा के एक केस में था, उसको रिमांड पर हम लोग कर लिए हैं, रिमांड किया गया है। उस घटना में जो हथियार प्रयुक्त किया गया था वो हथियार को भी हम लोग बरामद कर लिए हैं, तथा अभी उसमें बाकी जो बचे हुए अपराधी थे आज सबको गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। एक विक्की पासवान था, विक्की पासवान है जो रहने वाला टंडवा जिला चतरा का है। दूसरा उमेश साहू है जो बड़का गांव थाना हजारीबाग का है। तीसरा ओम प्रकाश गुप्ता है जो इटखोरी जिला चतरा का रहने वाला है, और चौथा संजय साव जो बड़का गांव हजारीबाग का रहने वाला है। तो हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। उसमें प्रयोग जो मोटरसाइकिल है और जो हथियार से गोली चलाई गई थी वो सब हम लोग बरामद कर लिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।